जितनी कैरेक्टर की डिमांड है उतना ही डर्टी होता जा रहा हूँ मैं डे बाई डे, और काम ख़त्म होता है, पैकअप होता है, तो मैं वापस अपने अवतार में आ जाता हूँ। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ डर्टी है नहीं जो शायद आपने पहले कभी देखा ना हो। फिल्म का जॉनर अलग है, इट्स लाइक अ बायोपिक, लेकिन टाइटल का ये मतलब नहीं है कि इस फिल्म में आपको अश्लीलता नज़र आएगी। इस फिल्म में आपको ड्रामा, इमोशंस, रोमांस, कॉमेडी, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी जो एक नॉर्मल मसालेदार फिल्म में होती हैं। तो वही एक्सपेक्टेशन लेकर फिल्म देखिए। मेरे कैरेक्टर का नाम है रमाकांत, जो एक फिल्म राइटर है, और बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है इस कैरेक्टर का, क्योंकि पहले तो थोड़ा सहमा सहमा सा है, फिर जब उसे प्यार होता है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है और वो अपने आप को डिस्कवर करने लगता है कि उसके अंदर क्या क्या जो सप्रेस था वो उसके काम में भी आता है उसके, और ही बिकम्स अ मोर सक्सेसफुल राइटर। फिर क्या होता है उसकी रिलेशनशिप में, वो आप इस फिल्म में देखेंगे, जो रमाकांत का ट्रैक है उसमें वो दिखाया जाए। वेल, उन पर बेस्ड तो नहीं है ये कैरेक्टर, क्योंकि उनका जो विग था वो अलग था, लेकिन क्योंकि मैं एक मुस्टैश और विग में आया हूँ तो शायद उनकी तरह लग रहा हूँ, और आई थिंक बिकॉज आई लुक लाइक हिम अ लॉट, दैट्स व्हाट पीपल से, तो शायद एक रिजेम्बलेंस आ रही होगी, लेकिन वो एक रेफरेंस तो थे नहीं मेरे लिए इस फिल्म में। देयर वर लॉट ऑफ लुक टेस्ट दैट वी हैव टू गो थ्रू, बहुत सारे फोटो सेशंस हुए लुक को डिसाइड करने के लिए कि रमाकांत का लुक कैसा होगा, मूंछ कैसी होगी, विग कैसा होगा। रीडिंग्स हुई बहुत ताकि हम अपने कैरेक्टर को समझें और पोर्ट्रे कर पाएँ, लेकिन ऐसा कोई रिसर्च तो मैंने नहीं किया एज फार एज लुक इज़ कंसर्न। निहारिका खान हु इज़ द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, एंड मिलन नूथिया जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्होंने ही डिसाइड किया कि लुक कैसा होना चाहिए, और मैंने बस मतलब स्क्रिप्ट बहुत बार पढ़ी, कैरेक्टर को समझने की कोशिश की। विद्या प्लेड अ प्रैंक ऑन मी टू डेज बैक। उन्होंने मुझे मतलब एक सीन में उन्होंने मुझे ब्लाइंड फोल्ड करना था, और फिर हम लोग मतलब एक छोटी मोटी सेलिब्रेशन करने जा रहे थे, लेकिन जैसे सीन शुरू हुआ वो मुझे टर्न करने लगी और यहाँ वहाँ लेके जाने लगी, और फिर उन्होंने कुर्सी में फेंक दिया, एंड देन शी सपोज नेक्स्ट टू शी सैट ऑन माई नी एंड फिर खुद गिर गई। तो मुझे लगा शायद उन्होंने इस सीन को कॉमिक करने के लिए थोड़ा स्पॉन्टेनियसली कुछ किया, तो मैं करता गया, फिर वो हंसने लगी कि अरे ये प्रैंक था, तुमने प्रैंक को खींचते गए तुम प्ले करते गए जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं है। सो शी एंड मिलन हैड प्लान दिस। इस फिल्म के बाद मेरी अगली रिलीज़ है 4 दिन की चांदनी, जो जैन में रिलीज़ होगी, और उसके बाद आएगी क्या सुपर कूल है हम, जो कल शूटिंग शुरू हो रही है उसकी। एंड देन देयर इज आल्सो अ फिल्म विद सनी देओल एंड अरशद वारसी, इट्स कॉल्ड भैया जी सुपर हिट, एंड दैट शुड कम बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर। कुछ ना कुछ आप सीख